हेलो एंड गुड इवनिंग गाइज, आज गॉसिप विद मारिया में हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी जिनको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं खुद इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि ये मुझे याद दिलाते हैं किसी की, वो है सलमान खान जो कि मेरा बहुत फेवरेट एक्टर है। तो आप गेस कर सकते हैं कि हमारे साथ सादिक साहब बैठे हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता यूएई में, आई थिंक इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं खुद इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आज सेट पे इनके बहुत बड़े फैंस हैं और हम इनके मुंह से ही सुनते हैं कि हाउ ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ टू अस। आई विल से इन अ वर्ड, आई कॉल मायसेल्फ एन ऑप्टिमिस्टिक। ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और इनकी एक सीक्रेट मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा बात नहीं करते और मैंने इनको यहाँ बिठाया हुआ है, ये इनको ऐसे लग रहा है मैंने इनको पनिशमेंट दी हुई है इन्हें, लेकिन हम ओपन अप ज़रूर करवाएंगे बिकॉज सादिक भाई ज़्यादा बात नहीं करते, ये सारे जानते, आई थिंक आपके फैंस भी जानते कि आप ज़्यादा बात नहीं करते। एक्चुअली आई एम अ शाय पर्सन बट आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू मीट यू और थोड़ा सा नर्वस हूँ लेकिन बट हो जाएगा हम इनको और कंफर्टेबल फील कराएंगे। ये नर्वस इसीलिए है क्योंकि ये अपने बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, बट आज इस शो पे ये इसीलिए आए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग इनके बारे में कुछ जाने, राइट? Exactly, ये चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि देर इज़ अनदर साइड ऑफ सादिक भाई जो आप लोग नहीं जानते। तो हम शुरू करते हैं हमारे सवाल, ओके? आपने टिकटॉक की जर्नी कब स्टार्ट की, लाइक व्हेन डिड यू स्टार्टेड? It's been a year now. Okay. So when I started, I was like, it was completely like an entertainment. Okay. So, लेकिन जैसे जैसे मेरा growth होने लगा, views मिलने लगे, likes मिलने लगे, followers मिलने लगे, तो मुझे ऐसा feel हुआ कि यार, let's take it as a profession. So I started making concepts, content बनाने लगा, social cost पे, social messages, people started appreciating it. So I feel really nice and I'm looking forward to it के और मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। तो आप ये जो TikTok की like journey आपने कहा कि 1 year ही हुए है, which is like a very good time, like एक साल बहुत कम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो definitely आपके content लोगों को पसंद आते हैं और you know लोग उस पर respond करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, तो आपको कैसा लगता है when people appreciate your content? How you feel? देखो content पे लोग appreciate करते हैं लेकिन जब दुआएं मिलती है ना सामने से कि अल्लाह आपको ज़िंदा रखे और लंबी उम्र दें, आपको बहुत तरक्की मिले, तो उसमें मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। oh, क्योंकि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ज़्यादातर एक मैसेज होता है जो लोगों के दिल पे छूती हो पाते हैं। मैंने देखे, आई वाज अ सीन, इट्स ग्रेट। तो आपको अच्छा लगता है लोग दुआएं देते हैं तो? क्योंकि पता नहीं कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। बेशक होता है ना कि आपकी कोई एक ऐसी ख्वाहिश या एक कोई तरक्की किसी की दुआओं से यू नो कबूल हो जाए, अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। आई बिलीव इन दैट, यस। आप खुद बताएं लाइक कैसा लगता है जब फैमिली आपको रिस्पॉन्ड देती है, अप्रिशिएट करती है, हाउ इट फील्स? आई रियली फील प्राउड, ऐसा लगता है कि मेरी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है और मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है कि मैं और आगे बढ़ूँ और तरक्की करूँ। That happiness is not compared to like any other thing in this world. Not monetary, nothing. ऐसा लगता है आपने दुनिया जीत लिया। I can feel that जो आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त, and it is definitely out of the world. अच्छा मुझे बताएं कि जो like you know TikTok बहुत time से ही चल रहा है, blogging, Instagram, everything is like you know काफ़ी time से चल रहा है और आपने एक साल पहले start किया, but आप मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा TikToker या blogger है जो आपको inspire करता है, जिसको देख के आपने सोचा यार why not मैं भी कर सकता हूँ? देर आर फ्यू बट लेकिन मैं दो लोगों का नाम दूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त है वो, ओके, लेकिन बट दे आर डूइंग अ गुड जॉब। ओके, वी आर नॉट प्लेइंग फेवरेट हियर, ये सिर्फ जो महसूस करते वो बताएंगे हमें। एक तो मेरे दोस्त हैं शादाब शेख, ओके, तो उनसे इंस्पायर्ड हुआ था मैं जब वो टिकटॉक बना रहे थे, मैं देखता था तब मैंने स्टार्ट नहीं किया था, राइट। दूसरे हैं मिस्टर दुबई, उनके मैसेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं, तो दे आर वेरी हम्बल एंड नाइस पर्सन, आई हैव मेट देम पर्सनली, आई हैव बीन मीटिंग देम, दे आर माय फ्रेंड्स नाउ,
So, yeah. उनको देख के ऐसा लगा कि नो इफ गाइज यू डोंट नो शादाब शेख इज वेरी वेल नोन एज टीम बी साइड एंड आप उनको फॉलो कर सकते हैं टिकटॉक पे एंड मिस्टर दुबई इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब जैसे इन्होंने कहा एंड वो आपको इंस्पायर करते हैं वो काफ़ी लोगों को और भी इंस्पायर करते हैं एंड वी रियली लाइक देयर कंटेंट एज वेल. मूविंग टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी की तरफ आपको यू नो ले जाते हैं, गॉसिप का मकसद पूरा करते हैं. हाउ यू फाइंड, लाइक ऐसा हुआ है कभी कि कोई टिकटॉकर आपको इरिटेटिंग लगा हो, ये क्यों बना रहा है, ये आया क्यों है टिकटॉक पे? हुआ होगा, मुझे बताएं कौन है वो. चलिए नाम ना बताएं, वैसे बता दे उसकी कोई हरकत बता दे, आपको फंसाएंगे नहीं हो. नहीं, एक्चुअली है कुछ लोग जो फेमस होने के लिए इस हद तक गिर रहे हैं कि वो कंटेंट के बारे में सोच नहीं रहे, वो कुछ भी कर रहे हैं जो हमारे माशरे के लिए मतलब ठीक नहीं है. तो वो ऐसा देख के ऐसा अफसोस होता है, मतलब कि यार दे शुड यू नो चेंज द कंटेंट, दे शुड चेंज द ट्रैक, मतलब सही मैसेज दे, सही मैसेज दे. मतलब फनी कर रहे हो, ठीक है फनी भी करो, मैं भी करता हूँ फनी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इस हद तक नहीं गिरता हूँ कि अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा. हाँ सही कह रहे हैं आप. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कोई ऐसा फेवरेट टिकटॉकर, जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया कि आप इंस्पायर किससे हुए थे, लेकिन एक होता है ना कि आपका कोई एक खास टिकटॉकर, एक यू नो एडमायरेशन हो जिसका आपने सोचा कि मैं इसके साथ डुएट बनाना चाहता हूँ या कोलैब करना चाहता हूँ, या वो ख्वाहिश अभी बाकी है या यू नो इट्स लाइक पेंडिंग स्टिल, यू स्टिल वॉन्ट दैट पर्सन टू यू नो हैव अ डुएट विथ यू. एक्चुअली आई सी वन गाय, ही इज़ वेरी फेमस और उन्होंने तो मतलब टिकटॉक पे रूल किया हुआ था, मिस्टर फैसल, एवरीबडी नोज़. तो उनको देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब, इसके साथ perfection. इनके साथ मुझे वीडियोज़ बनाने हैं, इनके साथ मिलना है मुझे, तो वो मुझे मौका मिला. ओके, यू गॉट द चांस. और हाउ इज ही इन पर्सन, हाउ इज ही, वेरी हम्बल पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन. So, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और बना लिया, खुशी हुई आपको. बहुत अच्छी बात है कि आपकी यू नो ख्वाहिश आपने पूरी कर ली उनके साथ वीडियो बना के. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर इंसान जो होता है अपने आप को बहुत पसंद करता है, दैट्स द रीज़न वो अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट करता है. तो आप अपने आप को अगर रेटिंग देना चाहते हैं तो आप 1 to 10 की स्केल पर क्या रेटिंग देंगे आप अपने आप को? एक्चुअली आई वोंट काउंट माई सेल्फ इन नंबर्स. ओके, बट लेकिन मेरे मैसेजेस और कमेंट्स में लिखा हुआ रहता है 1 नंबर. फैंस तो आपके काफ़ी है, मिलते भी आपसे, आपको कई मैसेजेस भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं. कोई ऐसा फ़ैन हो जिसने आपके साथ फ्लर्ट की हो और आपने ना आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है? एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है मेरे लिए. हाँ, तो किया है लोगों ने ऐसा? हाँ, किया है. कैसे कैसे, कोई एक लाइन आपको याद हो? लेने के लिए जब आते हैं तो ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो मतलब यू नो आई फील एम्बैरेस्ड. अच्छा, मतलब ऐसे कि वो कोशिश करते हैं कि आपको समझ आ जाता है कि ये नंबर्स नंबर पूछते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, तो आई मीन मतलब ऐसे धीरे से कान में, इधर अपना नंबर तो दे दो, मेरा नंबर तो ले लो. रिसेंटली मैं एक बर्थडे पार्टी में था दोस्त की, तो वहाँ पर लोगों को पता नहीं था मैं आने वाला हूँ. मैं अचानक मेरी एंट्री हुई तो काफ़ी लोग जो मेरे फैंस थे, फॉलोवर्स थे, वो दे वांटेड टू कम एंड मीट मी एंड टेक सेल्फीज इन ऑल. काफ़ी लड़कियाँ भी थी उसमें, तो काफ़ी रश लग गया था, बहुत सारे लोग थे, तो सब एक एक करके आ रहे थे. तो उसमें से एक लड़की के साथ में जब मैं पिक्चर्स हो गए मेरे निकालेंगे, दूसरी लड़की की तरफ बढ़ रहा था मैं, तो वो लड़की छोड़ नहीं रही थी, मतलब वो पकड़ लिया था, पकड़ लिया था उसने मुझे, अपना नंबर दे, नंबर दे के ही छोड़ूंगी, नहीं तो मैं तेरी तो मतलब जाने देने वाली नहीं. और okay. लड़की जो खड़ी थी ना वो ऐसा मुंह देख रही थी कि यार ये कब जाएगी, मेरा नंबर कब आएगा. तो मैंने उसको इग्नोर करते हुए वो लड़की की तरफ मुझे जाना पड़ा कि भाई चलो ठीक है आप फोटोज ले लो, बट लेकिन वहाँ से उसका चेहरा भी आ रहा है उस लड़की का. आपको मतलब ऐसा लग रहा था ये तो आज नहीं जाने देगी मुझे, तो फिर आपने क्या किया? बहरहाल मैंने नंबर तो नहीं दिया, क्योंकि यार मैं अगर वहाँ पे एक को भी नंबर दे देता था ना, सारे ले लेते. सारे ले लेते. अच्छा, वैसे वो अगर अकेले में मांगती फिर आप क्या करते? नहीं, एक्चुअली मैं नहीं दे सकता हूँ नंबर यार, बिकॉज़ आई फील आई डोंट नो शी इज. अच्छा, इमेजिन करें कि आप सादिक भाई नहीं है, यू नो यू आर नॉट मेकिंग टिकटॉकर्स, नॉर्मल बंदे हैं आप, और फिर अगर ऐसे कोई करे तो? एक्चुअली अच्छा लगता है, देखो अगर कोई फ्लर्ट कर रहा है, किसी बात करने की कोशिश कर रहा है आपसे, ऑब्वियसली कोई लड़का नापसंद नहीं करेगा, नापसंद नहीं करेगा. तो
अच्छा लगता है तो करें, मतलब गाइस डू दैट, बट ऐसे नहीं करें कि दूसरों को भी मौके दे, हमें काफी लोग चाहिए, एक नहीं सारे सारे फ्लर्ट करें, सारे मिल के करें, बट अच्छा लगता है, यू नो इट्स अ गुड फीलिंग. एनीवन लाइक कोई भी आपको अप्रिशिएट करे, आपको पसंद करे, लाइक करे, हु विल नॉट लाइक इट. बिल्कुल. अगला सवाल, कोई ऐसा टिकटॉकर है या कोई ऐसा ब्लॉगर, मैं कहूँगी सेलिब्रिटी नहीं करूँगी, सेलिब्रिटी पे तो काफ़ी लोगों क्रश होता है, अभी आप खुद टिकटॉकर हो तो आपके फेलो टिकटॉकर्स हैं, आपने देखा है लोगों को, तो ऐसा कोई टिकटॉकर है जिस पे आपको क्रश हो, लाइक यू नो एक क्या कमाल के बंदा है या बंदी है, बंदा नहीं कहना चाहिए तो, मुझे वैसे, वैसे तो काफ़ी लोग हैं जिनको मैं बोलता हूँ कमाल के हैं, और उन लोगों को मैं अपने वीडियोस में भी साथ में लिया हुआ है, कोलैब किया उनके साथ में, दे वर्क विद मी, मेरा उनके ऊपर लेकिन क्रश नहीं रहा है, लेकिन मैं उनको पसंद है, लेकिन एक एक पसंद करता हूं, एंड दे आर वर्सेटाइल एक्ट्रेस. ओके, सो यू अप्रिशिएट टैलेंट, यू मीन टू से उन लोगों ने अपने प्रोफाइल पे वो टैलेंट नहीं दिखाया था जो मेरे साथ काम करके उनका टैलेंट बाहर आया है. राइट, एग्जैक्टली, आई रियली लाइक दैट. अच्छा सादी में एक बात बताएं, आपका सबसे फेवरेट डुएट कौन सा है अब तक का, यू नो लोगों ने काफी बनाए होंगे आपके साथ, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, आपका फेवरेट डुएट? बहुत सारे डुएट्स हुए मेरे वीडियो पे, एक्चुअली हर वीडियो पे मेरे डुएट होते हैं, तो लेकिन जो एक डुएट है बहुत पहले वायरल हुआ था जो मेरी प्रोफाइल से नहीं हुआ, okay. किसी और के प्रोफाइल से वायरल हुआ और मेरे को मुझे कुछ ही लाइक्स मिले थे उसके अंदर, तो थोड़ी सी जेलसी फील हुई, लेकिन वो मिलियंस में व्यूज और मिलियंस में लाइक्स मिले उस बंदे को, तो लेकिन फिर बाद में मैंने अपने दिल को संभाल लिया कि नहीं यार चलो ठीक है, मैं फेमस हो रहा हूं, तो खुद से नहीं तो उसकी सही, और इतना मुझे बुरा लगा कि मैंने एक वीडियो बना दिया कि why TikTok, why did you do that to me? मेरे views क्यों नहीं मिले, मुझे likes क्यों नहीं मिले, और मेरे duets के ऊपर इतने millions में, तो लेकिन उसके बाद में TikTok ने भी शायद मेरी सुन ली, उसके बाद में जो मेरे videos viral होने लगे और duet बढ़ने लगे, और duet के ऊपर फिर लोगों को भी व्यूज मिलने लगे, डुइट वाले भी वायरल हो रहे हैं मेरे ऊपर. वाओ, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, टिकटॉक वाले आपकी बात सुनते हैं. नाउ आई फील प्राउड लाइक यू नो कि लोग मेरे साथ डुइट कर रहे हैं और उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं. इट्स अ प्राउड मोमेंट. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया हमसे ये. अच्छा एक थोड़ा सा स्पाइसी सवाल, थोड़ा सा ना मस्ती करते हैं हम, लोगों का नाम लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन, बट आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा टिकटॉकर है जो आपको कॉपी करता है? फीलिंग तो आती होगी डेफिनेटली, आपको लगता होगा. आई विल नॉट से कॉपी, ये बोलूंगा कि वो मुझसे इंस्पायर्ड है. यस, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास तीन विशेस हो, वो तीन विशेस क्या होगी? आखिरी तीन विशेस. यस, ओनली थ्री विशेस. दुनिया के लिए ही ना. अपने लिए? दुनिया के लिए क्यों? अपने लिए, इंसान अपने लिए करता है. तीन विशेस होगी तो फिर मैं तो आखिरत के लिए ही मांगूंगा. okay. लेकिन अगर दुनिया के लिए है तो इज्जत, बेशक. ओके, दौलत, शोहरत. इज्जत, दौलत, शोहरत, ये तीनों विश इनकी, एक ही भी मांग ले सारी थी. सबसे पहले तो इज्जत है, बेशक. इज्जत मुझे बहुत प्यारी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज तक लोगों ने कभी कहीं बेइज्जत नहीं हुआ. मैं कितना ऊपर वाले का करम है कि हमेशा जहाँ भी गया हूँ इज्जत मिली है, भले से मैं पॉपुलर था या नहीं था, पहले से मैं अपने आप को देखता आया हूँ, क्योंकि मैं जिनसे भी मिला हूँ ना एक स्माइल से और एक हम्बल तरीके से मिलता हूँ, और झुक कर मिलने से किसी का कोई जाता तो नहीं. बस आपको इज्जत मिल रही है, बट वो आप वो बरकरार रखना चाहते हैं, वो विश है आपकी हमेशा से. एंड देन दौलत, शोहरत किसे नहीं चाहिए, एवरीवन, वी नीड दोस थिंग्स. बहुत सिंपल से शख्स हैं ये, इसलिए बहुत सिंपल सी चीज़ हमसे कह रहे हैं, और आई विश लाइक आपकी ये विशेस जो है ना वो पूरी हो जाए. थैंक यू. ओके, अगला सवाल ये है, हमें कुछ अच्छा सा इसका एक जवाब आपसे, एक यू नो मज़ेदार जवाब चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट टू स्विच योर लाइफ विद समबडी एल्स, हु विल इट बी एंड वाई? Switch my life. My father. Okay. तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी पर्सनालिटी रह चुके हैं वो, और उनकी बहुत इज्जत थी. ही वॉज अ कॉप, पुलिस इंस्पेक्टर, तो मैंने उनको बचपन से अपना रोल मॉडल, एक हीरो माना है. राइट. तो माई फादर लाइक. ऐसी कौन सी मेमोरी है जो आप इरेज करना चाहते हैं, कोई मेमोरी या कोई पर्सन या कुछ एक चीज़ जो हुई नहीं थी, इरेज? ओके, ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो इरेज करना चाहूँगा, लेकिन एक मुझे याद है कि, लेकिन बहुत पुरानी बात है. ओके.
15 साल से भी ऊपर हो गए. ओके. टीनेजर्स से हैं. टीनेजर्स. तो उस वक्त दो दोस्त होते हैं तो हमेशा जान भी रहते हैं, साथ में होते हैं. बिल्कुल. मतलब जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार. और उनमें एक लड़की आ जाती है. हाँ, वो पूरा काम खराब कर देती है. पूरा काम खराब कर देती है. तो फिर बाद में यू नो शी वॉज विथ हिम बिफोर, लेकिन वो लड़की ने ऐसा गेम खेला कि हम लोग दोनों के बीच में दरार पड़ गई. और वो लेकिन फिर बाद में शी वॉज विथ मी. ओके ओके. और मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को समझा दूंगा. ना वो समझ पाया ना लड़की समझ पाई और तीनों का हम लोगों का मतलब ब्रेकअप हो गया. तीनों का ब्रेकअप हो गया. ये तीनों का ब्रेकअप हो गया. दोस्त से ही ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड से भी हो गया, सब ब्रेकअप हो गया. वो चीज मैं इरेज करना चाहूंगा. अगर वैसा तो होता नहीं है. होता नहीं है. या राइट राइट. खत्म करते हैं. लेकिन बट ये एक सोच बहुत प्यारी लगती है, यू नो, कि कोई एक ऐसी मोमेंट जिसको हम यू नो हुआ ही नहीं था. सो वो नहीं होना चाहिए था. मैंने अपने दोस्त से फिर कई बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया तो लेकिन हो नहीं पाया. मैं एक और सवाल ऐड करना चाहती हूँ. हमारी पब्लिक काफ़ी लाइक जानना चाहती है कि कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है आपकी. एक काउंट नहीं होगी फिंगर पे. नहीं काउंट होगी. आपने कभी काउंट नहीं करी. काउंट नहीं कर सकता हूँ. ये हमारे बहुत चुलबुल चुलबुल पांडे थे. ये हमारे सलमान खान जैसे चुलबुल पांडे रहे. ये तो आपने कभी काउंट ही नहीं किया. कभी सोचा कि मैं काउंट करके देखता हूँ है कितनी. एक्चुअली रेस लगती थी हम लोगों में. Oh. दोस्तों में कि किसकी गर्लफ्रेंड ज्यादा होगी. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. नाउ ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है. लेकिन जैसे जैसे यू नो एक्सपीरियंस होता गया लाइफ में आगे बढ़ते गए फिर एहसास होने लगा कि यार हम नॉट सपोज टू प्ले विद समबडीज हार्ट. राइट राइट. किसी की फीलिंग के साथ में हमें ने खेलना नहीं है और ये हमारे घर वालों के साथ भी हो सकता है. राइट राइट राइट. तो वो एक बचपना था थी तो यू नो चुलबुली जो पना था वो चला गया वहीं पे खत्म हो गया. ग्रेट ग्रेट ऑसम. नाउ हमारी कॉन्वर्सेशन एंड हो चुकी है. सादिक भाई ऑलरेडी नर्वस थे. अब इनको हम और थोड़ा सा और डराने वाले हैं, स्पाइसी खिलाने वाले हैं. देखते आज हम इन्हें क्या स्पाइसी खिला रहे हैं विद सम रैपिड फायर. तो सादिक भाई अब हम अपना रैपिड फायर शुरू करेंगे और आज की स्पेशल हमारी डिश है वड़ा पाव. अब आप सोचेंगे वड़ा पाव तो बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, ये तो मैं ऐसे ही खा लूँगा. बट इसके साथ जो है एक प्लेट भर के मिर्चें भी हैं. एंड दीज आर स्पाइसी. यस, ये नॉर्मल वाली मिर्चें नहीं है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा स्पाइसी मिर्चें हैं. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रूल्स बहुत सिंपल हैं. आपने एक बाइट लेना है वड़ा पाव का, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम अपने गेस्ट को खिलाएं पहले. ओके. उसके बाद उनसे सवाल का जवाब लें. तो पहले आप वड़ा पाव का एक बाइट लेंगे, देन आप एक मिर्ची खाएंगे एंड देन मैं सवाल पूछूंगी एंड यू विल आंसर. ऑलराइट फाइन. सिंपल. टेक अ बाइट. ऑलराइट. कैसा है? इट्स नाइस. गुड. हाउ इज इट? ठीक है. रियल कंटेंट या टिकटॉक साउंड? रियल कंटेंट. ओके, वन मोर बाइट. फ्रेंड्स या फॉलोअर्स? रैपिड फायर है. दोनों चाहिए आपको, एक चूज करें. फॉलोअर्स. फॉलोअर्स. ओके. नेक्स्ट. तीखा लग रहा है? या. मिर्ची लग रही है? एक और मिर्ची खा ले. 2020 या 2019? Of course. any time. Yeah. One more. आखिरी गर्लफ्रेंड कौन सी थी या करंट है कोई? आखिरी गर्लफ्रेंड मैं कैसे बताऊं अभी? ये नहीं बता रहे हमें. थी लेकिन अब है कोई? नहीं. नहीं. ठीक है. एक बाइट लें. Your question is, first person comes to your mind when I say the below word. प्यार. Below word? मतलब first person comes to your mind when I take the below word. मैं word लूँगी, आपके पहले जहन में कौन सा नाम आता है? प्यार. माँ. Have a right. मैं जान नहीं दे रही. हर word के बाद भी आपको खाना पड़ेगा. मिर्ची. उफ उफ मिर्ची. नफरत. एक नाम. माचल. ओके. योरसेल्फ. दोस्ती. सारे दोस्त हैं मेरे. सारे दोस्त हैं. काफी सारे दोस्त हैं. नाम नहीं ले सकता. हाँ, एक का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं. ओके. बुरा मान जाएंगे ना तो फिर यार. बुरा नहीं मानना है, घर जाके इन्हें और भी दोस्त रखने हैं. अगला बाइट. रिएक्ट इन वन वर्ड फॉर द बिलो नेम्स. एक वर्ड ही लेना है आपने इनके नाम के अगेंस्ट. अजमल.
जुर्माना। ओके ये अच्छा बोला आपने, दे आर लाइक मेंट टू बी टुगेदर। हाँ शादाब, टीम बीस्ट। ओके वन बाइट, मैंने इनको जाने नहीं देना आज, ये कहीं खाते रहना है इन्होंने। फैसू 07, टीम 07। ग्रेट। यस और नो, ओनली यस और नो, आप कोई नाम नहीं बताएंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, सिर्फ यस और नो, ठीक है। हैव यू एवर डेटेड समवन एंड रिग्रेटेड इट? यस। ओह नाम नहीं पूछ। हैव यू एवर मेड समवन क्राई? यस। ले एक और ले। ऐसा कभी हुआ है आप अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे या आपकी मीटिंग एनिवर्सरी भूल गए हो? हमेशा हमेशा। ये लड़कों का प्रॉब्लम है एक्चुअली, नहीं जीन्स, इट्स इन द जीन्स। दैट्स राइट। ओके अगला सवाल, इफ यू वोक अप एज वन ऑफ द फॉलोइंग व्हाट वुड यू डू? ठीक है सिंपली आपने एक सिंपल जवाब देना है, अगर आप रात में सो के उठते हो और यू वेक अप समवन एल्स। ओके सलमान खान, If you wake up as Salman Khan, क्या करोगे आप सलमान खान हो? हाँ मैं सलमान खान हूँ, तो सबसे पहले तो उनके Being Human की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगा। ओके ये आपका हमेशा से ख्वाब था। तो वो पहले जो करते हैं ना, वो तो वो पहले एक सॉर्ट आउट कर लूंगा जो भी उनका टास्क है दिन का, फिर बाद में जो शूट वगैरह होता है, मीटिंग्स होती है, पूरा इन्होंने प्लान करके रखा है, सलमान खान ने बनाया करना है ये चीजें। राइट। If you wake up as Shahrukh Khan? जो उन्होंने हार्ड वर्क स्टार्ट किया, उन्होंने वो फुटपाथ पे भी सो चुके हैं जब उनके पास काम नहीं था। तो अगर वोक अप एज शाहरुख खान, तो मैं वो जो चीज़ें हैं ना जिंदगी की उनकी, वो याद रखूँगा। ओके और वो तरीके से फिर से, मतलब वही हमेशा जिंदगी में याद रखूँ कहाँ को किस मकाम पर हूँ मैं। वो स्ट्रगल आप सारा ले लेंगे, यू विल टेक ऑल दिस। भूलूंगा नहीं मैं। ओके ओके ग्रेट। नेक्स्ट, इफ यू वेक अप एज आमिर खान? आमिर खान पसंद है आपको? मिस्टर परफेक्शनिस्ट। यस। क्या करेंगे आप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आई एम परफेक्ट। आई एम परफेक्ट या फिर भी क्या करेंगे आप, उनके पास इतनी सारी चीजें हैं, किस चीज का आप एडवांटेज लेंगे? उनकी जो एक्टिंग है ना, उसका मैं ले लेंगे सारा पावर, सारा पावर ले लूंगा मैं कहीं पूरे पावर में। वेरी गुड एक्टर एक्चुअली, मुझे बहुत पसंद है। सलमान खान का मैं फैन हूँ, लेकिन आमिर खान बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, ही इज अ वेरी नाइस एक्टर है। कूल कूल। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन, उसके बाद आपको कुछ दूंगी मैं। हैव यू एवर हिट ऑन बाय अ टिकटॉकर और सेलिब्रिटी? नॉट फैंस, बट कभी किसी टिकटॉकर या सेलिब्रिटी ने यू नो कोशिश की आपको यू नो बोलने की कि डेट करते हैं, चलो कुछ करते हैं? या नाम बता दूंगा प्रॉब्लम हो जाएगा। नाम बता देंगे तो आपस में लड़कियां लड़ने वाली है। नहीं लड़कियां नहीं, जिसका नाम बताऊं उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू। ओके बट हुआ ऐसा आपके साथ? हां हुआ। अच्छा अगला सवाल है, मैरी डेट एंड किल बिलो, ठीक है? ओके जुमाना खान, पिंकी फ्रांसिस और जन्नत जुबैर। ओके ऑलराइट, सो मैरी जुमाना खान। ओके And date Pinky Francis or kill Jannat Zubair? Kill Jannat Zubair. Sorry Jannat, we love you but क्या करें अभी available option देख रहे हैं ये UAE में। Thank you so much Sadiq bhai, thank you so much. Clap 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 clap. Good job, very very good job. अब मैं आपको एक छोटा सा gesture from our team, ये मैं आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच सादिक भाई टू फॉर कमिंग टू दिस शो, एंड आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक्स कि आपने यू नो क्विकली रिस्पॉन्ड किया और कहा कि मैं ये करना चाहता हूँ, बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी से टोटली एक डिफरेंट चीज़ कर रहे हो आप। तो वी आर रियली हैप्पी कि आपने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि लोग आपके बारे में एक डिफरेंट साइड आपका जाने, एंड रियली रियली थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस शो। स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगी लाइक हमारे वेन्यू पार्टनर्स के लिए,
Kobe Sizzlers, we are shooting here and we are loving it. हमें अच्छा लगा यहाँ पे, ये वड़ा पाव भी उनका ही हमने यहाँ पे ट्राई किया. मिर्ची नहीं ट्राई करेंगे आप, डोंट ट्राई दिस एट होम. सादिक भाई कैसा लग रहा है मिर्ची खा के? अरे बहुत मजे, ये हमारी तरफ से एक्स्ट्रा तड़का था, बट इनका वड़ा पाव कैसा लगा? वड़ा पाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत delicious, tasty है. हम दोबारा भी खाएंगे इसके बाद, ऑन सेट के बाद. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग गॉसिप विद मारिया इन एसोसिएशन विद मोर मीडिया, द डार्क रूम, ब्लैक फॉक्स यूएई एंड मेकअप पार्टनर सबीन कशान. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो.